बर्ड सीरीज में अभी मैं आपको मैना का दर्शन करा रहा हूँ। देखिए ये मैना हमारे घर के अगल बगल में रहती है, एक बहुत ही खूबसूरत पंछी है और ये हमारे अगल बगल के कीड़ों को खाती है। मैना हमें एक शुभ संवाद भी देती है। अगर मैना जोड़ों में मिल जाए तो समझिए कि आपका यात्रा शुभ है। अगर मैना आपके शरीर पुरुष के दाहिने और स्त्री के बाएं भाग से उड़ती हुई नजर आवे तो समझिए कि बहुत ही शुभ है। ये मैना हमारे समाज में रहती है, इसकी रक्षा कीजिए। हमारे इकोसिस्टम के लिए मैना बहुत ही ज़रूरी है, आप इसे प्यार करें। हमें उम्मीद है आप और भी प्यार करेंगे। श्री राम, ये आप देख रहे हैं गृद्धराज महाराज हैं, पंछी के बारे में मैं आपको जो हमारे इकोसिस्टम में रहते हैं मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आजकल विलुप्ति की कगार पे आ गए हैं, बी हैप्पी टू इनका भी हमारे इकोसिस्टम में रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये एक स्कैवेंजर का काम करते हैं। सोसाइटी से सड़े गले मांस को खा जाना पॉसिबल और नौजीवन देना इनका प्रधान कार्य है। इनको पहचानिए, नोइंग वेरी वेल, इनको पहचानिए और देखिए आजकल जो पशुओं में एनाल्जेसिक्स पड़ते हैं, यूज्ड बाय डाइक्लोफेनेक सोडियम का इंजेक्शन जो पड़ता है सोसाइटी, वह गृहराज महाराज जटायु के लिए काल बन गया है। अगर किसी पशु में डाइक्लोफेनेक सोडियम दिया गया है दे आर प्रोटेक्टेड एनिमल और उसकी डेड बॉडी को अगर गृहराज ये गिद्ध पंछी खा लें तो इनकी मौत निश्चित हो जाती है। एफर्ट्स आर मेड, अब ये सर्वाइवल क्लास में आ रहे हैं डियर किड्स, और हमें उम्मीद है यू शुड नो कि हमारा समाज हाउ वल्चर्स आर गृहराज जटायु महाराज एसेंशियल फॉर आवर सोसाइटी, निश्चित तौर पे फॉर आवर कम्युनिटी। अब बचाओ दे पिक द डेड बॉडीज ऑफ द एनिमल्स एंड मेक इट, ये हमारे समाज में फले फूले बढ़े और हमारे इकोसिस्टम हलचल साथ हमारे पर्यावरण वेरी एसेंशियल फॉर आवर सोसाइटी बने रहे। एंड ये सारे वीडियो बच्चों के लिए बनाया गया है, क्लीन आवर सोसाइटी, वो इसके द्वारा पर्यावरण हाउ कैन वी इमेज एनवायरमेंट इकोसिस्टम कल्चर्स एंड बर्ड्स नाउ समझ पाएंगे रिपीयर, इसके द्वारा उनको ये नॉलेज अब ये भल्चर हमारे समाज में संख्या में किस तरह से यू मे टेल दीज आर द इंस्टिंक्टिव पंछी हमारे एंड सोसाइटी के लिए इनको प्रोटेक्शन की जरूरत है, बहुत ही जरूरी हो गए हैं और गवर्नमेंट ने इनको प्रोटेक्शन दिया है, इनका सर्वाइवल इनका जीना हमारे लिए हमारे आने वाले जनरेशंस के लिए हमारे समाज के लिए बहुत ही जरूरी है। फॉर आवर सोसाइटी आप वी शुड नो, इन्हें पहचानिए एंड वी शुड प्रोटेक्ट द वल्चर्स, वल्चर को संरक्षण दीजिए, गिव द इन्हें बचाइए, जिससे कि हमारे समाज में ये गृहराज जटायु महाराज उपस्थित रहें और हमें नवजीवन की प्रेरणा दें, लाइफ की प्रेरणा दें। आप ये मत भूलिए कि गृहराज जटायु महाराज महाराज दशरथ के मित्र थे और माँ जनक नंदिनी को बचाने का भरपूर उन्होंने कोशिश किया था। जनक नंदिनी प्रकृति हैं और प्रकृति के
सेवर के रूप में ये गिरिधराज जटायु महाराज जाने जाते हैं, इसलिए इनको आप पहचाने, इनका प्रोटेक्शन करें और अपने बच्चों को दिखावें किस तरह से ये गिरिधराज जटायु महाराज हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ही जरूरी होगा। Dear kids, I am going to show you the longest snake animal in the forest is giraffe. Do you see? Please come to know about giraffe. These giraffes are very interesting and funny animals. They have long neck. In the course of the development, the nature has made their neck long. They love to live in family. They are vegetarian. They eat the grasses. Even the lions and tigers fear because the kick of leg may kill a tiger or a lion. These giraffes grazes in the fields and eat the leaves of the plants with the help of their long neck. They have four legs, one long tail, 2 ears. श्री राघवेंद्राय नमः। आप देख रहे हैं एक पंछी के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड किड्स विल बी हैप्पी टू नो अबाउट द नेचर ऑफ सच किड्स एंड वेरी मच पॉसिबल दीज किड्स आर वल्चर्स। यू आर नोइंग वेरी वेल दैट डिफरेंट ड्रग्स being used by the human society, the vultures are disappearing. They are instinct. They are protected animals. They are protected birds. And Herculean efforts are made to survive vultures. Dear kids, you should know how vultures are essential for our society, for our community. They pick the dead bodies of the animals and make it clean.
So, you may tell vultures are very, very essential for our society and they clean our society. How can we imagine that these vultures are now going to disappear? अब ये vultures हमारे समाज में संख्या में कम हो गए हैं. You may tell these are the instinct animal and इनको protection की ज़रूरत है और government ने इनको protection दिया है. So we should know how these birds are essential for our society. We should know and we should protect the vultures. Vultures give the cleanliness.